उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में होटल तथा ढाबों पर अवैध शराब बेची जा रही है। ताज़ा खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से है, जहां सुल्तानपुर पुलिस ने बस स्टॉप के पास से एक होटल और नदी किनारे पुल के पास दो होटलों पर अवैध शराब की बिक्री का भंडाफोड़ किया है। छापामार कार्रवाई में एक होटल पर 49 क्वार्टर अवैध शराब और दूसरे होटल से 12 क्वार्टर देशी शराब जब्त की है। पुलिस ने एक होटल संचालक पर केस दर्ज किया है तो वहीं दूसरे होटल के नौकर पर मामला दर्ज किया है। सर, ये कल होटलों पे दो जगह अलग अलग शराब पकड़ी गई है, कितनी शराब पकड़ी गई है और क्या कार्रवाई की? यहाँ कल हमने ये बस स्टैंड पर स्थित सभी होटल ढाबों की चेकिंग की थी, जिसमें एक हिंदू होटल में हमको 12 क्वार्टर देसी शराब मिली और एक गब्बर ढाबा है वहाँ पर हमको 49 क्वार्टर देसी शराब मिली है, जिस पर हमने आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। गब्बर ढाबे के संचालक पर और हिंदू होटल में जो मैनेजर था उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया